ले जाइए उत्तरा रावत को, उत्तरा रावत को, उत्तरा रावत को, उत्तरा रावत को। क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने विधान? उत्तरा रावत अपनी मां को कोई नाम से बुलाता है? मां हूं तुम्हारी मैं। मां, आप जैसी औरत ना किसी की मां, ना किसी की बेटी, ना बहन, ना बहू, कुछ नहीं बन सकती है। तुम अपनी सगी मां को उस सौतेले भाई के लिए छोड़ रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विधान, कैसा कर सकते हो तुम? अगर भैया मेरे सौतेले भाई हैं, तो इस सौतेले रिश्ते के लिए ऐसे सौ सके रिश्ते को मारे। भैया से ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं। उत्तरा रावत, आपको गायत्री रावत के खून के इल्जाम में और फाल्गुनी रावत के कत्ल की कोशिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इल्जाम तो इस पे धोखाधड़ी का भी है। इंस्पेक्टर साहब, इस सब में गुनहगार मैं भी हूं, लेकिन आपके साथ चलने से पहले दो मिनट के लिए अपनी चीकू से मिलना चाहते हैं। ठीक है। चीकू? मम्मा, आप आ गए। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? सब बोल रहे थे कि आप मर गए हो, अब तारा बन गए हो। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चीकू, मुझे ना कुछ काम था इसलिए बाहर जाना पड़ा था, लेकिन देखो अभी मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। अब कभी नहीं जाओगी ना मम्मा? नहीं चीकू, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जिस काम से गई थी ना, वो काम अधूरा रह गया है, तो अभी कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने ना तुमसे एक झूठ बोला है, और उसके लिए ना मैं बहुत सॉरी भी हूँ। कौन सा झूठ? सुयश तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा पिछले 3 साल से बीमार हैं, लेकिन अब ना उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। लेकिन तुम जब उन्हें देखोगी ना, तुम शायद उन्हें पहचान लोगी। और आप? मुझे तो जाना पड़ेगा ना। प्लीज आप बन जाओ ना मम्मा। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी फाल्गुनी आंटी भी तो है तुम्हारे साथ। नहीं, वो गंदी आंटी है, मुझे वो नहीं पसंद। नहीं चीकू, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी फाल्गुनी आंटी तो बहुत अच्छी है, और तुम्हें पता है आज जो मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, वो उन्हीं की वजह से हूँ। अब तुमने जो इन्हें परेशान किया है, उसके लिए फटाफट इनसे माफी मांग लो और फटाफट वापस से दोस्ती कर लो। एहसान फरामोश हो तुम सब लोग। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया,
लेकिन तुम्हें इस बात की कोई कीमत नहीं है, भूलूंगी नहीं मैं, याद रखूंगी सब कुछ, याद रखूंगी। बहुत मजा आएगा ना अब जेल में, अच्छी खासी मुंबई में बैठी होती, पैसे लेकर ऐश कर रही होती, लेकिन नहीं। कम से कम मेरी चीकू की नजरों में मेरी इज्जत होगी। और बुरे काम का कितना बुरा नतीजा होता है ये तो आपको देखकर पता चल ही रहा है। चलो, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। माफ नहीं करूंगी, देख लूंगी मैं सबको। चलो, डैड, तुम मेरे सौतेले बेटे हो और सौतेले ही रहोगे, मेरी बहन के बेटे, मेरी सौत के बेटे। मैं हमेशा बोलता था कि मेरी सुयश रावत की एक पहचान है, वो उत्तरा देवी रावत का बेटा है, लेकिन आज पता चला कि उन्होंने तो मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं था। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि मेरी पहचान क्या है, मेरा वजूद क्या है। नहीं सुयश, देखिए ऐसा मत कहिए। मेरे प्यार में, मेरी इज्जत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मनी मन उन्होंने मुझसे नफरत की। आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, शायद उनकी इंसानियत में कमी थी। नहीं फाल्गुनी, पता है मैं तुम्हें गलत समझता रहा हर वक्त। उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम पर जुल्म किया, इससे अच्छा होता भगवान मुझे जिंदगी नहीं देता। नहीं ऐसे मत कहिए, मैं इसी बात से डरती थी कि जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी आप टूट जाएंगे, इसलिए कभी आपको सच बताने की हिम्मत नहीं। अब लगता है कि शायद मुझे बताना ही नहीं चाहिए। फाल्गुनी, तुमने सच सामने लाकर मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, और शायद यही सही है डैड के लिए भी और वेदान के लिए भी। Thank you.
झूठ, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। इतना बेवकूफ था ना मैं, नहीं थी कभी सोचा नहीं कि मम्मी ऐसा कर सकती है। मैं भैया से नजरें कैसे मिलाऊंगा, कैसे करूंगा उनका सामना, इतना बुरा किया मम्मी ने उनके साथ मेरी वजह से, मेरी वजह से।